हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल वेद अनुलेखा। मिक्स कंटेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज मेरा टॉपिक है मुरमुरे का टी टाइम का नाश्ता। तो ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत हल्का है और बहुत ही कम तेल में बन जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही फिट एंड हेल्दी नाश्ता है। तो चलते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर कढ़ाई पर जो तेल लिया था उस पर मैं डालूँगी हल्का सा हमारा नमक। ये मैंने हल्का सा नमक ऐड कर दिया है और अब इसी में मैं ऐड कर दूंगी हल्का सा हल्दी पाउडर। ये देखिए, हल्का सा नमक और हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद आप इस मुरमुरे को इस पर ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए, ये ऐसे। अब देखिए, इसमें मेरा थोड़ा सा और आ जाएगा मुरमुरा, तो मैं इसमें और थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। ये देखिए, अब हम इसे अच्छे से चला देंगे। ये मैंने चला दिया। ये देखिए, अब आपको ऐसे चला के इसे अच्छे से मिक्स करना है और हल्का हल्का भूनना है। इसको आपको चलाते रहना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल से लो करिएगा। ये देखिए, जैसे मैंने कर दिया है ये। और आपको इसको कंटिन्यूसली चलाना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। अब जैसे आप इस मुरमुरे को आप भूजने से पहले थोड़ा सा आप इसे खोल के धूप में सुखा दीजिएगा। जैसे मैंने इसको धूप में सुखाया था थोड़ा सा, फिर इसके बाद में थोड़े मैंने एक दो घंटे आप धूप दिखा दीजिएगा इसको, और फिर उसके बाद आप इसमें भूजिएगा। ये देखिए, अभी ये देखिए आप, ये अभी पिचक रहे हैं, मैंने अभी ये फूट नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये अभी हुआ नहीं है। हमें अभी और इसे भूजना है, गला नहीं है, ये नीचे नहीं लगा है। ये जैसे मैं इसे लगातार चलाते रह रही हूँ, वैसे आपको लगातार चलाते रहना है। ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ इसका ये हुआ है या नहीं। यहाँ देखिए आप, ये देखिए, मैं आपको इसको फोड़ के बताती हूँ ये हुआ है कि नहीं। ये देखिए, आवाज़ सुनिए आप, ये देखिए, इसका मतलब ये हो गया है। ये देखिए, ये आवाज़ सुन रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा हो चुका है। तो यहाँ मैंने ले लिया है वही कढ़ाई जिसमें मैंने मुरमुरे को भूजा था। अब मैं इसमें ले लूँगी हमारे तेल, ऑयल ले लूँगी। ये ऑयल आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ कम ऑयल लिया है और यहाँ पर मैं मूंगफली के दाने ले रही हूँ और मैं उसे अच्छे से भूंज के निकाल लूँगी। ये रहे, जैसा कि मैंने यहाँ पर 3/4 मूंगफली के दाने ले लिए हैं, अब मैं इसे अच्छे से भूंज लूँगी। आप चाहे तो मूंगफली के दाने 1 कटोरी या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए, आप मेरे मूंगफली के दाने अच्छे से पटकने लगे हैं। ये देखिए, तो दोस्तों आपको अच्छे से मूंगफली के दानों को तल लेना है। अब ये देखिए, ये देखिए, जैसे कि मेरे यहाँ पर हो चुका है, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए, मैंने एक प्लेट ले लिया है, अब मैं इसमें इसे निकाल लूँगी। ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया है। ये देखिए, मेरे मूंगफली के दाने हो चुके हैं। अब इसी कढ़ाई में, इसी तेल में मैं ले लूँगी राई के दाने। ये देखिए, 1 चम्मच करीब मैंने राई के दाने ले लिया है, ये अच्छे से पटकने लगे हैं। इसका मतलब मेरा राई का दाना हो चुका है। अब मैं इसमें 2 से 3 बड़े कटे हुए प्याज ले लिया है मैंने। ये देखिए, ये मैंने चॉप्ड करके रखे थे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, अब मैं इसमें 5 से 6 कटी हुई बारीक हरी मिर्च को ऐड कर दूंगी। ये देखिए, ये मैंने ऐड कर दिया है इसमें। अब मैं इसे भी अच्छे से भूज लूँगी, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च की क्वांटिटी थोड़ा सा आप अपने टेस्ट के अनुसार लीजिएगा कि आपको कितना तीखा खाना है, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर भी मिलाएंगे।
तो ये अब मेरा यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सूखी नारियल। मैंने जो सूखी नारियल के मैंने टुकड़े लिए बारीक बारीक उसे काट लिया है, अब मैं उसे भी इसमें फ्राई कर लूँगी, मीन्स अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इसे भी हल्का हल्का हम भूज लेंगे। ये देखिए इसे जलाना नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान रखना ये जलना नहीं चाहिए। अब मैंने इसमें हल्दी, एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, स्मॉल टीस्पून है इसलिए मैंने 1-1 टीस्पून लिया है। तो ये मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी, इसे हमें जलाना नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब मैं इसमें ले लूँगी मीठी नीम के पत्ते, ये देखिए मीठी नीम के पत्ते हैं, और इसे हम अच्छे से भूज लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर मेरा होने वाला है लगभग, ये देखिए अब ये देखिए अच्छे से इसे भूजते रहना। अब यहाँ पर हो चुका है मेरा, अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए इतना ही आपको भूजना है, इससे ज़्यादा आपको जलाना नहीं है, नहीं तो इसमें जले की स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम एक पेपर लेंगे, न्यूज़पेपर, उसे हम मैंने इसमें थाली में बिछा दिया है, उसमें मेरे मुरमुरे मैंने रख दिए। अब मैं मुरमुरे के बीच में मैंने एक गड्ढा सा कर दिया हल्का सा, और उसके में मैं अपने तैयार किए हुए मसालों को डाल दूँगी। ये देखिए ये मैंने डाल दिया है, ये देखिए अच्छे से आप पूरे कढ़ाई से अच्छे से मसालों को डाल दीजिएगा, और इसे हम अंदर मुरमुरे से ढक देंगे। ये देखिए अब इसमें हम मूंगफली जो भुजी हुई हम वो भी ऐड कर देंगे और हम इसे ढक देंगे। ये देखिए अब हम इसे पेपर से ढक के थोड़े 5-6 मिनट के लिए छोड़ देंगे थाली से ढककर। ऐसा हम इसलिए करते हैं दोस्तों कि जो जितने भी माने फ्लेवर्स हैं वो पूरे मुरमुरे में समा जाए। तो 5 मिनट के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। ये देखिए अब मैं इसे 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब पूरे मुरमुरे में हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए यहाँ पेपर बिछाने का मेरा एम ये है दोस्तों कि जो हमारा एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो इस पेपर में चला जाएगा। तो देखिए बहुत ही फिर कम ऑयल बचता है, आप देखिएगा पूरा एक्स्ट्रा ऑयल हमारे पेपर में लग जाएगा। तो ये देखिए आप पेपर में एक्स्ट्रा ऑयल दिख रहे हैं, और ये मैंने इसे निकाल दिया, और अब मैं इसे और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा मुरमुरा रेडी है, मुरमुरे का नाश्ता जो बहुत हेल्दी है। इसे आप चाय के साथ या फिर ऐसे ही आराम से बैठ के टीवी देख के खाइए। तो कैसा लगी वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।